सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 18 अप्रैल है, दिन सोमवार है। पंजाब दीआं सारीआं वड्डीआं ते ताज़ा खबरां इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू दस्सांगे। सब तो पहला मौसम की जानकारी दे दिंदे आं। पंजाब दे विच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक लू चलण अते गर्मी वधण दी चेतावनी दित्ती है। गर्मी का असर लोगों के कम्मां कारां ते पैणा शुरू भी हो गया है। बाज़ारां दे विच रौणकां भी गायब होण लगियां ने। पंजाब च दो तीन दिन पारा डिग्गिया सी पर फिर तो चढ़न लग्या है। दोपहर नूं हुण तापमान 42 डिग्री तो उपर चले जांदा है। लोगों का घरां तों बाहर निकलना भी ज़्यादातर थावां ते औखा हो गया। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना के मौसम विभाग के विज्ञानी डॉक्टर राजकुमार पाल के मुताबिक लू चलण कारण सीजन च पहली वारी दिन का पारा 42 डिग्री सैलसीयस नूं छू चुकिया। आउंदे दिनां दे विच पारा जिहड़ा होर भी चढ़ सकदा है। उन्होंने दस्सिया कि मानसा जिले समेत बरनाला, संगरूर, पटियाला, बठिंडा, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर के अगले 3 दिन तक गर्मी की लहर चलन की संभावना है। जबकि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर कल तक गर्मी की लहर लगातार चलूगी। मौसम विभाग के वलों लोगों नूं घरां दे अंदर रहण की सलाह दित्ती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके विच होई हिंसा दे विच दिल्ली पुलिस ने 20 जणिआं नूं गिरफ्तार कर लिया। कल तक 14 जने हिरासत में ले गए सी ते हुण कुल गिणती 20 हो चुकी है। 2 नाबालिग भी हिरासत में ले ने। शनिचरवार नूं हनुमान जयंती के मौके आंध्र प्रदेश अते उत्तराखंड दे विच भी हिंसक घटनावां वापरियां सन। कर्नाटका दे हुबली दे विच सोशल मीडिया दे पोस्ट कारण हंगामा मचिया। केंद्रीय एजेंसियां दे वल्लों जहांगीरपुरी हिंसा दा करौली अते खरगोन दीआं घटनावां नाल संबंध होण दा शक जताउंदे होए जांच शुरू कर दित्ती गई है। इन्हां घटनावां ते शिवसेना दे सांसद मैंबर संजय राउत ने कहा कि श्री राम दे नां ते फिरका प्रस्ती नूं भड़काउणा भगवान श्री राम दे आदर्शां दी बेइज्जती है अते भगवान राम भी मध्य प्रदेश दे खरगोन दी पूरी घटना नूं लै के बेचैन होणगे। खरगोन वाली घटना रामनौमी दे दिन वापरी सी, जिस तों बाद करफ्यू ला दित्ता गया सी। इन्हां सारीआं घटनावां दे विच घट गिणती मुस्लिम भाईचारे नूं निशाना बणाया जा रिहा है। कल पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दीआं कई किसान जथेबंदियां दे नाल बैठक की। किसानां ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री ने कणक ते बोनस देण लई हुंगारा दे दित्ता है। 500 रुपये प्रति क्विंटल दा मुआवजा किसान लीडरां ने मंगिया। भगवंत सिंह मान ने झोने दे सीजन लई सरकार दा नवां खेती फार्मूला भी पेश कीता है। मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह गन्ना, मक्की, दालां ते तेल बीजां दे MSP यानी कि घट्टो घट समर्थन मुल दा मामला केंद्र सरकार कोल चुकणगे। बदलवीं फसलां दे घट्टो घट समर्थन मुल ते खरीद करन दे विच मार्कफेड अते होर सूबे दीआं एजेंसियां नूं शामिल कीता जाऊगा। किसान लीडरां दे मुताबिक सरकार ने मक्की, मूंगी ते बासमती नूं सरकारी भाअ ते खरीदण दी सिधांतक सहमति दे दित्ती है ते हफ्ते बाद किसानां दे नाल मुड़ तो बैठक होवेगी। बलवीर सिंह राजेवाल, जिहड़े अज तक हर मीटिंग की अगवाई करते रहे, लीड करते रहे, किसान मोर्चे दे विच भी मोहरी भूमिका निभाउंदे रहे, ओह हुण इन्हां बैठकां दे विचों मनफी हो रहे ने। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी फसलां दे मुआवजे ते आम आदमी पार्टी नूं घेरिया है। पंजाब च कणक की खरीद के जमीनी हालातों की गल कर लईए तां अनाज मंडियां दे विच कणकां दे ढेर लग गए ने। किसान ते आड़ती परेशान ने। नवी फसल नूं मंडियां विच लिआउण दे विच दिक्कतां आ रहीआं ने क्योंकि पुराणी दी लिफ्टिंग नहीं हो रही। लिफ्टिंग दे काम ने रफ्तार ना फड़ी ते किसान सड़कां ते उतर सकदे ने। आम आदमी पार्टी दी सरकार दा इह पहला खरीद सीजन है ते फसल दी चुकाई ना होण दी सूरत विच सरकार दे अक्स नूं सट वजेगी। इस वक्त पंजाब दे विच कणकां दी वाढी दा काम पूरे जोर ते है ते मंडियां दे विच फसल दी आमद लगातार वध रही है ते गर्मी करके कणक दा दाणा सुंगड़न तो बाद भारतीय खुराक निगम दे वल्लों कणक दी डिलीवरी नहीं लई जा रही। केंद्र सरकार ने नवे मापदंड ने जिहड़े उन्हां ते हले फैसला लैणा है। हालांकि BJP दे एक लीडर ने कल यह दावा किया कि केंद्र सरकार ने 6% तो वध जिहड़ा दाणा नुकसान है उस नूं चुकण दा ऐलान कर दिता है, पर अधिकारिक तौर पर अजिहा कोई भी ऐलान सामने नहीं आया। किसानों का अपना तर्क है, कहिंदे कारण कुछ भी होण सरकार नूं लिफ्टिंग का काम तेज़ करना चाहिए। पंजाब दे विच हुण तक 52,50,000 मीट्रिक टन कणक मंडियां दे विच पहुँच चुकी है, जिस दे विचों 49,70,000 मीट्रिक टन कणक खरीदी जा चुकी है। तो जे लिफ्टिंग ते निगाह मारीए तो पंजाब दे विच सिर्फ 17,13,000 मीट्रिक टन कणक ही मंडियां विचों चुकी गई है, यानी कि कणक विकता चुकी है पर मंडियां दे विचों चुकी नहीं जा रही। 35,52,000 मीट्रिक टन कणक चुकाई की उड़ीक कर रही है।
इन्हां हालातों दरमियान पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने कल बरनाला दी अनाज मंडी दा दौरा कीता अते दावा कीता कि साडी सरकार कणक दा एक एक दाणा खरीदण दे लई वचनबद्ध है। उधर खुराक ते सिविल सप्लाई विभाग दे सकत्तर गुरकीरत कृपाल सिंह ने कहा कि इस वक्त जो फसल मंडियां दे विच पई है वह केंद्रीय मापदंडां ते पूरी नहीं उतर रही, जिस करके भारतीय खुराक निगम इस फसल नूं नहीं स्वीकार कर रहा ते असी मापदंडां दे विच छोट दी उड़ीक कर रहे हैं। जिवें कोई फैसला आउंदा लिफ्टिंग दा मामला फौरी हल हो जूगा। पंजाब दे विच हुण कोई भी पंचायत सकत्तर अपनी छुट्टी प्रवान करवाए बिना विभाग दे मोहाली दे फेज 8 विचले मुख दफ्तर विकास भवन विच नहीं आ सकूगा। पेंडू विकास ते पंचायत विभाग दे संयुक्त डायरैक्टर दे वल्लों इस संबंधी लिखती हुक्म जारी कीते गए ने। हुक्मां दे विच साफ साफ लिखा गया कि जे कोई भी पंचायत सकत्तर बिना छुट्टी प्रवान करवाया मोहाली स्थित मुख दफ्तर विच आऊगा तां उस खिलाफ अनुशासनी कार्रवाई की जाऊगी। इन्हां हुक्मां दा पंचायत सकत्तर यूनियन ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सकत्तर यूनियन पंचायत विभाग विच होईयां भारी वित्तीय बेनियमियां ते पंचायत समिति विच होईयां भर्तियां संबंधी आवाज़ बुलंद करती आ रही है, इस करके अफसरशाही सानू पंचायत मंत्री तो दूर रखण दे मनशी नाल अजिहे हुक्म जारी कर रही है। यह पक्षपात है क्योंकि पत्र विच सिर्फ पंचायत सकत्तरां लई इह निर्देश जारी किए गए ने, बाकी कर्मचारियों ते तां कोई रोक नहीं लाई गई। पंचायत सकत्तर यूनियन के प्रधान ने कहा है कि वह छेती ही पंचायत मंत्री नूं मिलके पिछले लंबे समय तो विभाग विच हो रही घपलेबाजिया बेनियमियां ते अजिहा करन वालियां दे दस्तावेजी सबूत सौंपणगे। कल पंजाब दे पटियाला बरनाला अबोर अमृतसर जलंधर ते मोहाली दे विच सहायक प्रोफेसरां ने प्रदर्शन किए। 1158 सहायक प्रोफेसर ते लाइब्रेरियन फ्रंट पंजाब दे सद्दे ते रोस मुजहरे होए अते भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल करन दी मंग की गई। कपूरथला दे पुलिस थाने दे विच शिकायतां करन दे बावजूद भी कार्रवाई ना होण तो खफा 35 साल दे नौजवान ने 3 दिन पहलां आत्मदाह दी कोशिश कीती सी, उसकी मौत हो गई है। इस मामले विच पुलिस ने 11 जणियां नूं नामजद किया जिन्हां विच म्युनिसिपल कौंसलर भी शामिल है। उन्हां ते दोष है कि उन्होंने एक औरत नूं कथित जिसम फरोशी दे धंधे विचों बाहर नहीं आउण दित्ता जबकि वह एक काम छड्डना चाहुंदी सी। पुलिस ते भी शिकायतां दे बावजूद कार्रवाई ना करन दे दोष लगे ने। समराला दे पिंड मानूपुर दे विच एक नौजवान ने अपने चाचे नूं ट्रैक्टर हेठां दरड़ के खेत विच ही मौत दे घाट उतार दिता है। इस कार्य नूं अंजाम देण तों बाद फटाफट शमशान घाट दे विच मृतक देह नूं संस्कार करन दे लई लै गए। पुलिस नूं भिणक पई तां पुलिस ने लाश चिखा दे विचों कढवा के हिरासत दे विच लै ली। मृतक दे भतीजे खिलाफ केस दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी दे लई छापेमारी शुरू कर दिती है। कल पंजाब दे विच दो तस्वीरां देखण नूं मिलियां। एक तस्वीर दे विच आम आदमी पार्टी दे अपने ही वर्कर कैबिनेट मंत्री दा घिराओ करदे नज़र आए। दूसरे पासे पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भगवंत मान दीआं तरीफां करदे नज़र आए। खबर मलोट तो है जिथे आम आदमी पार्टी के वर्करां ते लीडरां ने निराश होकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के घर के बाहर धरना ला दिता। उन्होंने दोष लाया कि आम आदमी पार्टी भी रवायती पार्टियां वांग काम करन लगी है। उन्होंने कहा कि वर्करां ने पार्टी लई अपने कारोबार दाते ला दते ते हुण उन्हां दी सुनवाई ही नहीं हो रही। उन्होंने मंत्री दे पीए दे तलख अते रुखे रवैये ते भी सख्त इतराज प्रगट किया जिस संबंधी मंत्री बलजीत कौर नूं जाणू करवाया गया सी। धरना लाने वाले पार्टी के वर्करां ने दोष लाया कि जिन्हें भी रवायती पार्टियां दे जुगाड़ करन वाले आगू सीगे ओह हुण आम आदमी पार्टी की सरकार विच भी मूहरे किते हुए ने। इसे दरमियान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर मौके ते पहुंचे, धरना ला के बैठे वर्करां नूं अपील की कि अंदर आके गलबात करन, पर धरनाकारी इस गल ते अड़ गए कि जो भी गल करनगे ओह लोकां दे सामने ही करनगे। बलजीत कौर ने कहा कि वह जो भी फैसले लैणगे लोक हित दे विच ही होणगे ते जे मैनूं कोई जबरदस्ती अपनी गल मनवाउण लई दबाव पाऊगा तो उसकी गल नहीं मनी जाऊगी। रात तक के धरना लगातार जारी सी अते मंत्री बलजीत कौर अपने घर के अंदर सन। धरनाकारियों की अगवाई करने वाले वर्कर साहिल मोंगा ने कहा कि उन्होंने रात को इत्थे बैठने के लिए गद्दियां ते खाने का प्रबंध भी कर लिया है, जेकर कहिंदे साडी सुनवाई ना हुई तो साथियों समेत रात को भी धरना जारी रहेगा। जबकि दूजे पासे फगवाड़ा पहुंचे पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दीआं तरीफां दे पुल बंद दित्ते। उन्होंने भगवंत सिंह मान वालों लोगों को प्रति महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करन दा निघा स्वागत किया। राजा वड़िंग स्थानक कांग्रेसी विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल के घर पहुंचे सन जिथे पार्टी वर्करां ने फुल्लां दी वर्खा करके उन्हां दा स्वागत किया। वड़िंग ने आस प्रगटाई कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों नाल कीते होर वादे भी जल्दी पूरे करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की खास तौर पर तारीफ करदे वड़िंग ने कहा कि भगवंत मान एक सुलझे हुए व्यक्ति ने, पंजाब के लोगों दी भावनावां नूं जाणदे ने समझदे ने।
उन्होंने मुख्यमंत्री मान नूं कांग्रेस सरकार वालों 7 किलोवाट लोड वाले खपतकारां नूं दित्ती गई 3 रुपये यूनिट की सबसिडी बंद न करन की अपील भी की। एक वड्डी खबर भी मिल रही है कि पंजाब के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दीआं मुश्किलां होर भी वधण वालियां ने। ईडी वल्लों साबका सीएम चन्नी खिलाफ शिकंजा कसण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। रेता खनण ते अफसरां दीआं बदलीआं करवाउण दे मामले विच चन्नी दे पुत्तरां तों वी पुछगिछ कीती जा सकदी है। हालांकि ईडी दे किसी भी अधिकारी ने इस बारे अधिकारित तौर ते कोई पुष्टि नहीं कीती। सूत्रों मुताबिक ईडी चन्नी के मामले में सिरे तक ले जाने की तैयारियां कर रही है। इस कड़ी के तहत ईडी ने चन्नी तो 5.5 घंटे पिछले दिन ही पुछगिछ भी की। इस मामले के जेल च बंद चन्नी के भाणजे हनी की जमानत अर्जी से सुनवाई 20 अप्रैल होएगी, जी पहला 16 होनी सी। तो पिछले दिन ही चन्नी तो जो पुछगिछ हुई है उस मामले विच भी पता लग्या है सूत्रां दी जानकारी तो कि ईडी ने चन्नी तो सवाल पुछण दे लई बाकायदा एक सूची बनाई सी। उन्हां कोलों पुछया गया कि की रेता माइनिंग दे कारोबार विच उन्हां दी सिद्धी जां असिद्धी शमूलियत है अते अधिकारियां दीआं बदलियां ते नियुक्तियां दे मामले विच मोटे पैसिआं दा की लैण देण होया सी। सो ईडी दा रुख कहिंदे सख्त हुंदा दिखाई दे रिहा है ते चन्नी दीआं मुश्किलां वध सकदीआं ने। जलंधर जिले के भोगपुर इलाके तो खबर है जिथे पिंड पटियाला के रहने वाले साबका पुलिस अधिकारी ते गायक शमशेर चमक नूं पुलिस ने उसकी पत्नी के कतल के दोष विच गिरफ्तार किया है। उसकी धी ते जवाई नूं भी इस केस विच नामजद किया गया है। मृतक अमरजीत कौर के पिता रजिंदर सिंह ने थाना भोगपुर के विच शिकायत दर्ज करवाई सी। दस्या सी कि शमशेर चमक जिहड़ा उसका जवाई है उसकी धी नूं लगातार कुटदा मारदा रहिंदा सी। ते शमशेर चमक दी धी ते जवाई भी फोन करके धमकियां दिंदे सी। कुटमार तो बाद अमरजीत अपने मापियां कोल आ जांदी सी पर शमशेर चमक मोतबरां नूं नाल लैके माफ़ी मंग के फिर अपनी पत्नी नूं वापस अपने घर लै जांदा सी। एक दो दिनां बाद फिर कुटना शुरू कर दिंदा सी। मुलजम शमशेर चमक दे मुताबिक उसकी पत्नी ने फाहा लैके जान दित्ती है। पुलिस जांच कर रही है। पंजाब के ADGP ट्रैफिक ने पुलिस वाले वाहनों के उत्ते शिकंजा कस दिता है। नियमों की उलंघना करने वाले पुलिस वाहनों पर हुण कार्रवाई होगी। ADGP ट्रैफिक के वलों खेतरी अधिकारियों को हदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने कि हरेक सरकारी गड्डी चौंकी थाना यूनिटां सब डिविजनल अफसर SP रैंक MT ब्रांच के खड़िया गड्डियां और जिला पुलिस मुखी की गड्डी विच फस्ट एड किट ते रजिस्ट्रेशन RC वगैरह पेपर रखवाने यकीनी बनाए जाण। ADGP ने हदायत की है कि जे सरकारी गड्डिया के भी कागज़ पूरे नहीं होंगे तो MTO ते सरकारी ड्राइवर खिलाफ़ बनती कार्रवाई की जाए। ये पुलिस दियां सरकारी गड्डिया ते शिकंजा है। इंग्लैंड के पहले दस्तारधारी MP तनमनजीत सिंह ढेसी के हक के विच किसान जथेबंदियां नेत्रियां ने। इन्होंने इतराज़ प्रगट किया कि ढेसी के खिलाफ BJP के वलों कूड़ प्रचार किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन दुआबा अते सिद्धूपुर दे लीडर ने कहा कि BJP सारे देश विच प्रचार करके सियासी रोटियां सेकण दा कोझा यतन कर रही है। जथेबंदियां ने चेतावनी दी है कि जे भाजपा ने किसान अंदोलन की हमायत विच डटन वाले कौमांतरी सिख लीडर तनमनजीत सिंह ढेसी खिलाफ विड्डी मुहिम ना रोकी तो इस दे गंभीर सिट्टे निकलणगे। किसानों ने कहा कि ढेसी ने किसान संघर्ष दौरान मोदी सरकार वालों मनुखी अधिकारां दी उलंघना करन दे मुद्दे नूं बड़ी गंभीरता दे नाल कौमांतरी मंच ते चुकिया सी, जिस तों बाद बरतानिया दे विच स्पेशल किसान मुद्दे ते सैशन भी होया सी। किसानों ने दोष लाया कि BJP विदेशों में पंजाब अते देश का नाम उच्चा करने वाले सिख भाईचारे के लीडर नूं इस करके निशाना बना रही है क्योंकि उन्होंने किसान अंदोलन के हक विच हां दा नारा मारिया सी। तनमनजीत सिंह ढेसी इन्हीं दिनी परिवार समेत पंजाब पहुंचे हुए ने। उन्हों का किसान जथेबंदियों के वलों सन्मान भी किया जा रहा है। SGPC के वलों भी उन्हों का परिवार समेत सन्मान किया गया जबकि BJP के जिहड़े लीडर ने कूड़ प्रचार कर रहे हैं। BJP के एक जनरल सकत्तर सुभाष शर्मा और एक होर लीडर ने तो यह मंग कर दी है कि ढेसी और उन्होंने परिवार का OCI कार्ड ही रद्द कर दिया जाए। OCI कार्ड विदेशों के वास्ते पंजाबियों भारत आने की इजाजत दिता हों। अपने खिलाफ हो रहे कूड़ प्रचार के मसले पर तनमनजीत सिंह ढेसी भी बोले ने सोशल मीडिया से, कहते मेरे खिलाफ बहुत कूड़ प्रचार किया जा रहा है पर ढेसी ने स्पष्ट किया है कि दुनिया के जिथे भी मनुखी अधिकारों की उलंघना होगी मैं आवाज़ चुकता रहांगा। ढेसी ने कहा कि मेरे खिलाफ ओ तिराही कूड़ प्रचार कर रही ने जिन्होंने किसान अंदोलन की हमायत किए जाने तो तकलीफ हो रही सी। ढेसी ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले एक साल तो मीडिया के एक हिस्से के एजेंसियों राही हासोहीणे सियासी बयान से बेबुनियाद रिपोर्टा प्रकाशित करवाई जा रही ने कि उन्होंने लंडन के 2020 रैली दौरान भारत विरोधी भाषण दिता सी जो कि सरासर झूठ है क्योंकि ढेसी मुताबिक वो कदे भी अजिही किसी रैली दे विच शामिल ही नहीं हुए। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच हुण तुहानू कुछ होर खबरां विस्तार नाल दसदे आं।
लखीमपुर खीरी कतलकांड मामले दे विच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी दे पुत्र ते मुख मुलजम आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करन दी मंग वाली पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट सोमवार नूं यानी कि 18 अप्रैल नूं अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना वाला बेंच सोमवार नूं सवेरे 10:30 बजे फैसला सुनाएगा। अदालत ने 4 अप्रैल नूं आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करन दी मंग वाली किसानां दी पटीशन ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया सी। ते इसे मसले नाल जुड़ी हुई अगली खबर है कि लखीमपुर खेड़ी मामले दे विच गवाहां नूं धमकाउण कारण किसान जथेबंदियां दा गुस्सा भड़क गया है। लखीमपुर खेड़ी मामले दे गवाहां नूं धमकियां देण दा मामला सामने आउण तों बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने हुण मोर्चा खोल लिया। गवाहां नूं धमकाउण दे खिलाफ चंडीगढ़ समेत 3 सूबियां तों किसान लीडर 24 अप्रैल नूं लखीमपुर खेड़ी पहुँच के शक्ति प्रदर्शन करनगे। इस दे लई सारियां यूनियनां नूं घट्टो घट्ट एक एक वाहन अपने नाल किसानां दा भर के लिजाण नूं कहा गया। किसान लीडर मनजीत राय ने कहा है कि लखीमपुर खीरी कतलकांड विच बेकसूर किसानां ते गड्डियां चढ़ा के उन्हां नूं शहीद कर दिता गया सी ते हुण किसानां दा वफद लखीमपुर खीरी खास तौर पर इन्हां गवाहां नूं मिलन जाएगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान ते चंडीगढ़ के किसान इस विच शामिल होणगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसान जथेबंदियों के नाल ऐतवार को मीटिंग की है। उसकी जानकारी देने तो पहला थानू महंगाई का झटका देने वाली एक खबर दस दें। सरकार GST दर वधाने की तैयारी दे विच है। जी हाँ, वस्तु ते सेवावां कर कौंसल की अगले महीने होने वाली बैठक दे विच 5% टैक्स स्लैब नू खत्म करने के प्रस्ताव ते विचार किए जाने की संभावना है। सूत्र दसते हैं कि इसकी बजाय कुछ ज़्यादा खपत वाले उत्पादों 3% ते बाकियों 8% की स्लैब रखा जा सकता है। ज़्यादातर सूबे मालिया वधाउण दे लई एकमत ने तां जो उन्हां नूं मुआवजे दे लई केंद्र ते निर्भर ना होना पवे। मौजूदा समय GST दे विच 5, 12, 18 ते 28% दे 4 टैक्स स्लैब ने। सोने अते सोने दे गहिणियां उत्ते 3% टैक्स लगता है। कुछ गैर ब्रांडेड ते बगैर पैकिंग उत्पाद भी ने जो GST दे घेरे विच नहीं आउंदे। सो जे GST दीआं दरां वधाईआं जाणगीआं तां महंगाई होर वधेगी, यानी कि 5% दा टैक्स स्लैब है जिहड़ा उह तां खत्म ही कर दित्ता जाएगा। 5 तों बाद सिद्धा 12% वाला आता है, यानी कि 12% टैक्स मिनिमम कर दिता जाएगा कि इन्ना लगना ही लगना है। हालांकि यह भी पता लगे कि 5% स्लैब नूं खत्म करके 7, 8 या 9% भी किया जा सकता है, सीधा 12% भी जा सकता है। ऐतवार को पंजाब दीआं 23 किसान जथेबंदियां दे लीडरां दे नाल पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अहम मीटिंग की। इस सारियां वो किसान जथेबंदियां दे लीडर सन जिन्हां ने पंजाब विधानसभा चोणां दे विच हिस्सा नहीं लिया सी। इन्हां किसानां दे वफद की अगवाई जगजीत सिंह डल्लेवाल भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर दे प्रधान ने की। मीटिंग पंजाब भवन चंडीगढ़ विच 2 बजे के करीब हुई। इस तो पहला किसान लीडर ने अपनी बैठक भी की मोहाली के इतिहासिक गुरद्वारा अंब साहिब विखे। मीटिंग तो बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जानकारी दी कि ऐतवार की इस मीटिंग दे विच खास तौर पर पानी की बचत और फसली विभिन्नता से गलबात हुई है। किसानों ने मुख्यमंत्री के मूहरे कुल 25-26 मंगा रखिया ने, जिस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पोंस दिता है। डल्लेवाल ने दसिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुड़ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नाल बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उस बैठक के किसानों के तकरीबन सारे मुद्दे हल कर दिए जाएंगे। किसान लीडर ने मांग की है कि पंजाब के सारे किसानों कणक का जिहड़ा नुकसान होया मौसम के बदलाव होने करके कणक का दाणा सुंगड़िया है, उस करके किसानों प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस दिता जाए और मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिता है। हालांकि ऐलान नहीं किया कि अजिहा होगा, पर मुख्यमंत्री ने इन्ना कहा कि पूरे पंजाब का एक बार सर्वे कर लैन दो, हो सकता है कितने किसानों का वध नुकसान होया होवे, सो उस तरीके दे नाल ही बोनस दिता जाएगा। डल्लेवाल ने दसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्ना तुसी मंगया वो तो वध ही दिता जाऊ, घट नहीं दिता जाऊगा। गन्ने की अदायगी जिहड़ी कि खंड मिलों वल 500 करोड़ बकाया खड़ी है, वह भी जुलाई तक अदा कर दी जाऊगी, ये भरोसा दिता है मुख्यमंत्री ने। होर फसलों के उत्ते MSP का भी भरोसा दिता है। हाल की घड़ी मुख्यमंत्री वालों कोई ऐलान नहीं किया गया, पर सारे मसले हल किए जाने के संकेत मिले ने। छेती ही बिजली के मसले के उत्ते बिजली कनैक्शन से किसानों की बिजली मंत्री के नाल बैठक भी करवाई जाएगी। लेकिन सब तो बड़ी गल ये है कि उन्होंने ये कह दिता कि जिहड़ा असीं मंग पत्र दे के जिहड़ा जिहड़ा साडे नाल रिलेटेड सी जिहड़ा असीं देना चाहुंदे सी, उहदे चों सब तो इंपोर्टेंट सीगा कि किसानां नूं घट्टो घट बोनस जरूर अनाउंसमेंट करे सरकार, और वो लगभग उन्होंने इन्ना कहता कि बोनस जरूर देवांगे, लेकिन किन्ना देना इहदे ते असीं मतलब मैं आपदे सारे अधिकारियों नाल सारे मिनिस्टरां नाल बैठ किन्ना लोगों का नुकसान होया
ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਥਾ ਤੋ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 50-60 ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਸੇ, उनमें बड़े लीडर भी थे, उनमें यूनियन लीडर भी थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने अपनी तकलीफें बताई और उन्होंने कहा सर कि काफ़ी सारी फसल जल भी गई है, करीब 500-600 एकड़, और बहुत नुकसान हुआ है, करीब 20-50% नुकसान हुआ है। अब केजरीवाल साहब तो रहते ही इलेक्शन मोड में, 2015 से लेके 2021 तक इनको किसान की याद नहीं आई, लेकिन जब पंजाब का इलेक्शन था तो केजरीवाल साहब ने अनाउंसमेंट की कि जी एक पर हेक्टर अगर फसल का नुकसान होगा, उजाड़ा होगा, तो हम 50,000 रुपये जो कि हाईएस्ट है इंडिया में वो हम कॉम्पनसेशन देंगे। अब जब यहाँ पंजाब में इलेक्शन जीत लिया तो पंजाब का तो इनको इतना ज़्यादा वो नहीं, दिल्ली वाले तो पंजाब को एक लॉन्चिंग पैड सोचते हैं कि यहाँ टांग लगाई और ठाएं करके हिमाचल प्रदेश और गुजरात पहुंच गए भाई, समझे नहीं। 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਬ ਇਨਕੋ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮੇ ਹਮ ਜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਾ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਥਾ ਵੋ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੇ। मैंने हिंदी में शब्द सुना था छलिया, इनका असली नाम छलिया है, ये छल करते हैं, पंजाबी क्या बनारसी ठग है, अद्धे मिनटा ही ठग लेंदा। अब हुआ क्या है कि तब इन्होंने ये कहा था कि हम सारी जनरल कैटेगरी को 300 यूनिट पर महीना, मतलब 2 महीने का बिल आता है पंजाब में तो 600 यूनिट देंगे, ठीक है, चाहे ऊपर आए नीचे आए लेकिन 600 यूनिट सबको मिलेगा। देखिए SC OBC और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें तो कांग्रेस की सरकार पहले ही दे रही थी, क्यों जी 200 यूनिट पहले ही दे रहे थे तो 400 यूनिट था, तो अगर 600 होगा तो उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मिलेगा और अगर उनसे ऊपर भी आया बिल तो 600 यूनिट माफ होके बिजली का बिल आएगा। अब साहब पलट गए हैं, पलटू मियाँ उन ऐसे करके घूम गए। देखिए आप
हमारे पंजाबी में कह रहे कोड़ किला भी इतनी छेती रंग नहीं बदलता जितनी छेती केजरीवाल साहब बदलते। इनको आराध्य देव बनाना चाहिए उसे। अब ये स्टेटमेंट आई है इनकी जो कि बहुत बड़ा धोखा है पंजाब के साथ कि जी जब 600 यूनिट के ऊपर बिल आएगा जनरल कैटेगरी में अगर एक रुपया भी ऊपर बिल आया तो फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या है। पहले नहीं तेला कर दी मेला मेला। फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको पहले नहीं पता था। जितने आईएएस ऑफिसर हैं पंजाब के, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने जाके कहा है, सेंटर को रिपोर्ट किया है और कई जगह पे उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि भाई जिस तरह से पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति है ये कल को श्रीलंका की तरह ना हो जाए, ये बहुत एहतियात बरतने की बात है। तो जंडियाला गुरु की दाणा मंडी के दौरे तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अमृतसर वाले घर के वख-वख थावां तो पहुँचे किसानों के नाल मुलाकात की। किसानों के किसान जथेबंदियों के नाल विचार वटांदरा किया कि अज के किसान किहड़ियां मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पंजाब दे विच कणक की खरीद नूं लैके बीजेपी लीडर राजेश बाघा का बयान भी सामने आया है। बाघा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने कणक खरीद के मापदंडां दे विच ढिल दित्ती ते केंद्र दे वल्लों नवें मापदंडां तहत खरीद करन दे हुकम दित्ते गए ने। बाघा ने ट्वीट किया है कि एक चंगी खबर जो केंद्र सरकार ने कणक के दाने 6% तो वध पिछके होने कारण खरीद तो ना की सी ते उस तो बाद मोदी सरकार ने खरीद संबंधी नियमों के ढिल दे के कल तो खरीद शुरू करन दा जिहड़ा बयान दे दिता है उसते असी केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हाँ। बीजेपी ने जानकारी दिती है कि सोमवार तो पंजाब दे विच हुण कणक की खरीद शुरू हो जाएगी पर इस संबंधी पंजाब सरकार जां फिर दिल्ली सरकार का कोई अधिकारित बयान खबर पढ़े जाण तक सानू नहीं मिलिया। जबकि राजेश बाघा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने हुण पंजाब दे विच 6% तो वध नुकसाने दाणियां दी खरीद करन दे भी हुक्म दे दित्ते ने जबकि पहलां वाले मापदंडां दे मुताबिक 6% तो वध नुकसानी कणक खरीदी नहीं जा सकती सी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दो मंत्रियों समेत दिल्ली दा सोमवार दा दौरा रद्द कर दिता है। भगवंत सिंह मान ने दो मंत्रियों समेत 18 अप्रैल नूं दिल्ली दे स्कूलों ते मोहल्ला क्लीनिक दा दौरा करना सी। इस मौके सिक्ख्या विभाग दे सकत्तर अते सेहत विभाग दे सकत्तर भी नाल जाने सन पर हुण इह दौरा मुलतवी कर दिता गया है कारण निजी दसे गए ने। दरअसल पिछले दिनीं आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं दिल्ली दे स्कूलों अते मोहल्ला क्लीनिकां दा दौरा करन दा सद्दा दिता सी पर हाल दी घड़ी इह दौरा नहीं होवेगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दे जहांगीरपुरी के जलूस में पत्थरबाजी की घटना बेहद निंदनयोग है, दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है। सारे लोगों को अपील है कि एक दूजे का हाथ फड़ के शांति बना के रखो। हाल ही के दिनों के वापरियां फिरकू घटनावां के उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के उत्ते भी हैरानी प्रगट की है। हैरानी तो बनती है क्योंकि पिछले दिनों के जो भी घटनावां वापरियां ने उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप ने, उन्होंने एक भी बयान नहीं दिता। जबकि जो कि पंजाब नूं छड़ के होर सूबयां दे विच कोई वड्डा हादसा वापरदा है तां उह तुरंत ट्वीट करदे ने, तुरंत अपना प्रतिक्रम दिंदे ने ते जदों अजिहियां घटनावां वापरदियां ने उदों प्रधानमंत्री दा बयान देना बहुत जरूरी हो जांदा है तां कि अजिहे लोकां नूं शह ना मिल सके। ते जे प्रधानमंत्री बयान नहीं दिंदे तां इहदा मतलब है कि इहनां लोकां नूं पूरी शह मिल रही है, यह कहना है विरोधी पार्टियां दा। वख-वख पार्टियां दे होर लीडरां दे प्रतिक्रम भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी दे संसद मैंबर मनोज तिवारी ने भी दोषियों नूं सख्त सज़ा देने की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस ने भी इस घटना की निखेधी करदियां लोगों नूं अमनो अमान कायम रखने की अपील की है। इस घटना दे विच जो वीडियोज़ सामने आ रहे हैं उन्होंने कुछ पाबंदियां लगियां होने करके असी तुहाडे नाल सांझे नहीं कर सकते पर तुसीं सारयां ने वीडियोज़ देखे होणगे कि किस तरीके दे नाल जहांगीरपुरी इलाके दे विच हनुमान जयंती के मौके एक मसीत के बाहर एक भाईचारे के लोगों ने अपने धर्म के झंडे लहरा के किस तरीके दे नाल प्रदर्शन किया है अते दूसरे धर्म के जिहड़े लोग ने वो मसीत दे विच खड़े हुए ने कंध के उपरों की मसीत की छत तो देख रहे हैं और बहुत सारिया वीडियोज़ ने जिहड़ियां इस घटना लैके सामने आईया ने।
कहण दे विच मैनु कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जे मुस्लिम भाईचारे दे लोकां ने अजिहा कुछ कीता हुंदा तां उस धर्म दा भी खूब नाम लिया जाना सी अते लोकां दा भी नाम लिया जाना सी अते इस मुद्दे नू होर तूल दित्ती जानी सी तां कि लोकां दे विच माहौल है जिहड़ा उह सहम दा बन जावे अते एक खास भाईचारे दे प्रति नफरत पैदा हो सके। हालांकि बनदा यह हुंदा कि हर केस दे विच चाहे किसी भी धर्म के लोगों की गलती होवे तां उहदे विच मीडिया नू बड़े तरीके दे नाल शब्दों की वरतों करनी चाहिए है ताकि लोगों दे विच भड़काहट ना आवे। इस घटना ते पंजाब दे विच पटियाला तो साबका MP डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने आम आदमी पार्टी ते निशाना साध्या है। गांधी ने ट्वीट किया है उस बयान नू जिहड़ा कि 13 पार्टियां ने सांझा जारी किया है। लिखा है कि राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश के रामनौमी के जलूसों और शनिचरवार को ही दिल्ली में हनुमान जी की शोभा यात्रा दौरान हुई हिंसा के मद्देनज़र कांग्रेस समेत देश की तमाम मुख विरोधी पार्टियों के वलों मुल्क अंदर फिरकू नफरत फैलाउण वाली ताकतों का विरोध करन अते फिरकू सद्भावना कायम रखने की अपील की गई है, पर इस लिस्ट के आम आदमी पार्टी गायब है। सुनेहा नहीं लग्या ज गए नहीं, कहते दिल्ली में छोड़ो आम आदमी पार्टी को पंजाब इस गल का जवाब जरूर देना चाहिए। ये डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने मांग की है कि इस मुद्दे ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी नू जरूर बोलना चाहिए। इधर पंजाब दे विच सरकार वालों किए गए 300 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान से हुण सियासी युद्ध शुरू हो गया। 300 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान से BJP के लीडर सुभाष शर्मा ने सरकार से वड्डा हमला किया। उन्होंने जात के आधार पर स्कीम का लाभ दिते जाने सवाल चुके ने। ट्वीट किया है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नू पुछना चाहुंदा कि जदों तुसीं मुफ्त बिजली गरंटी दित्ती सी तां तुसीं की कहा सी कि तुसीं जात दे आधार ते स्कीम दा लाभ देओगे कि जनरल वर्ग विच कोई गरीब परिवार ही नहीं है। तुहाडी इह योजना आम लोकां दे नाल बेइंसाफी भी है अते धोखा भी है। सो पंजाब सरकार दे इस ऐलान तों बाद जिथे विरोधी सरकार नूं लगातार घेर रहे ने उत्थे आम लोग ने जिहड़े ओह वी सोशल मीडिया ते खूब चर्चा कर रहे ने ते इस गल दे विच कोई शक भी नहीं हैगा कि जिन्ना जातां पातां नूं इह राखवां करन बढ़ावा दिंदा उन्ना शायद लोक भी नहीं दिंदे। लोक जातां पातां नूं शायद भुल जाण, जातां पातां खत्म हो सकदियां ने, ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो सकता है जे सरकार राखवेंकरण नूं खत्म कर देवे, क्योंकि राखवेंकरण दीआं सहूलतां नूं देख के लोक इन्हां दे विच होर उलझ जांदे ने अते एक दूसरे के खिलाफ मन दे विच वैर विरोध भी पैदा होंदे ने। गुरदासपुर जिले तो खबर है जिथे श्री हरगोबिंदपुर दे विच आम आदमी पार्टी के लीडरां ते सत्ता का डरावा दिखा के शराब कंपनी के मैनेजर तो 50,000 रुपये खोण के दोष लगे ने। घटना CCTV कैमरे च कैद हो गई है ते पुलिस जांच कर रही है। इस दे नाल ही मामले विच हुई सियासत तो बाद शिकायतकर्ता डरे हुए ने, इंसाफ की मांग कर रहे ने। जानकारी मिली है कि 4 जणिआं ने विक्रम ट्रेडर्स कंपनी के मैनेजर तो उसके दफ्तर विच जाके करीब 50,000 की नकदी खोली ते चारे जने आम आदमी पार्टी के वर्कर ते लीडर दसे जा रहे ने। घटना दफ्तर विच लगे CCTV च कैद हो गई जिस दे विच साफ तौर ते यह जड़ी लुट खो देखी जा सकती है। शराब कंपनी के मालक अनिल कोछड़ ने दोष लाया कि मुलजमान ने उसनू राह विच जानो मारन दीआं धमकियां भी दित्तियां। पुलिस ने विक्रम ट्रेडर्स के मालक अनिल कोछड़ की शिकायत ते कार्रवाई शुरू कर दी है। विक्रम तो ही इस घटना की सारी CCTV फुटेज ली गई है। पंजाब दे विच कतल दीआं वारदातां नहीं रुक रही। पंजाब के कोटकपुरा शहर के एक जने का तेजतार हथियारां दे नाल कतल किया गया है। घटना शनिचरवार रात को पिंड मौड़ च वापरी जदों मृतक अपने गुआंढियों के नाल उन्हां दे बच्चे नूं दवाई दवाउण जा रहा सी। तिन्ने मोटरसाइकिल ते सवार सन। राह विच अणपछाते व्यक्तियों ने उन्हां ते तेजतार हथियारां नाल हमला कर दिता। हमले च जख्मी हुए व्यक्ति की हस्पताल दे विच मौत हो गई जबकि गुआंढी पति पत्नी ते उन्हां दे 4 साला पुत्तर नूं मामूली सट्टां लगियां ने। पुलिस ने पति पत्नी दे बयानां दे आधार ते 3 अणपछाते हमलावरां दे खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दित्ती है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।